सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ भाई। फेसबुक की तरफ से अगर आप फेसबुक पर छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करते हो, यानी कि रील्स अपलोड करते हो, तो भैया बहुत बड़ी खुशी आज मैं आपको देने वाला हूँ, एज ए सरप्राइज होने वाला है। अभी तो थोड़ा इशू हो सकता है, बट आने वाले टाइम में बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई रील्स क्रिएटर्स के लिए। तो क्या गुड न्यूज़ है भाई, उसको मैं आपको लाइव आपने इस फोन की स्क्रीन पे ले आके अपने पेज पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि भाई एड्स ऑन रील्स की क्या खुशखबरी है रील्स क्रिएटर्स के लिए। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपने फोन पर, अब यहाँ पर मैं सिंपल अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ और वहाँ पर मैं मीटा फॉर क्रिएटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ और यहाँ पर मेरी मेटा फॉर क्रिएटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ गई। मैं इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा समझने में बहुत आसानी होगी। तो कहने का मतलब है, जो फेसबुक का रील्स क्रिएटर्स के लिए जो अपडेट है वो बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी रील्स पर अर्निंग बहुत अच्छी होगी और आप अभी अपनी रील्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास, देखो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, मेरे पास एक प्रोफाइल है मेरा और जो मैंने एक पेज बनाया था, एक ऐसे फर्जी आपको समझाने के लिए पेज बना लिया था, बट इस पेज पे मैं कोई भी वर्क नहीं करता, बट इस पेज पे मैं वर्क करता हूँ। अभी इस पेज का मैं आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा कि इस पेज का हम डेटा किस तरीके से देखते हैं। तो सिंपल मैं इस पर आता हूँ और व्यू टूल पे मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा। अब इस पेज पे मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि इस पेज पे पॉलिसी इशू मुझे देखने के लिए मिला था और पॉलिसी इशू जैसे देखने के लिए मिला था तो ये पेज मेरा मोनेटाइज ऑलरेडी है, बट इस पर पॉलिसी इशू की वजह से अब इससे कोई भी अर्निंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा जो है मीटा बिजनेस सूट की तरफ से ओपन हुआ है। यहाँ पर आपका अगर क्रिएटर स्टूडियो में ओपन होता है तो आप उसको स्विच करके मीटा फॉर क्रिएटर्स में जा सकते हो, है ना। अब यहाँ पर हम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, यानी कि मेरा ये पेज जो है ऑलरेडी मोनेटाइज है बट इस पर रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन का इशू आ गया, यानी कि पॉलिसी इशू है इस पर। तो इस पर मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो सारा बंद हो चुका है, सिर्फ मुझे स्टार अर्निंग अभी अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके होम वाले पेज पर जाते हैं और यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें और अलग से होंगे और यहाँ पर हम वीडियो वाले सेक्शन पर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फेसबुक एक जो है काफ़ी होड़ा हो रही है यूट्यूब भी है फेसबुक में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी फेसबुक नहीं चाहता कि मेरे क्रिएटर्स दूर चले जाएँ या हमसे हमारे क्रिएटर्स दूर चले जाएँ, तो ऐसा इसमें अभी चल रहा है और यही इशू की वजह से यहाँ पर फेसबुक बहुत अच्छी अच्छी अपडेट अभी आपको दे रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा लोड होने में दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इशू है कोई ना कोई। तो अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा लोड करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा ये थोड़ा पेज एक बारी और लोड होगा और लोड होने के बाद में हमें जो हमारी वीडियोज़ हैं वो टोटल यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। आप ये काम फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हो, अन्यथा आप अपने फोन पीसी से भी इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों का सिमिलर एक जैसा ही सिस्टम होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे फ़ोन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे कंटेंट आ गए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे पास ये एक रील्स है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये मेरी एक रील्स है जो मैंने फेसबुक पर अपलोड इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी, ठीक है। ये रील्स है मेरी फेसबुक पर अपलोड हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में मैंने कनेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर दोनों का जो एनालिटिक्स है मुझे यहाँ पर शो होता है, ठीक है। केट में यानी कि जो इसका मीटा स्विच जो है इस पर यहाँ पर शो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जितनी भी हमारी फेसबुक की रील्स है, यहाँ पर ये भी रील्स है फेसबुक की, काश में मोटा होता है, ये रिएक्शन दिया था। उसके बाद देखें तो ये भी एक गेहूँ एक रील्स है, उसके बाद फेसबुक की रील, ये लॉन्ग वीडियो है, ये भी लॉन्ग वीडियो है रील्स की, मतलब कहने में फेसबुक पेज की। तो ऐसे मेरे पास, मैं कभी कभी इत्तेफाकन इस पर रील्स अपलोड करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त इस पर रील्स अपलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये देखूँ, मेरी शुरू में यहाँ पर एक रील्स है काश में मोटा होता, इस रील्स के हम जब इस साइड में जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन सिंबल दिखाई देता है आपको, ये यानी कि डॉलर टाइप, ठीक है। यहाँ पर डबल सी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि इस पर लिमिटेड ऐड आएंगे, बट यहाँ पर ये जो हमारा है ग्रीन सिंबल, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा रील्स जो है मोनेटाइज है। हालांकि मेरे पेज पे रिस्ट्रिक्टेड है बट रील्स जो है फेसबुक मोनेटाइज कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है इसको, ये मैं अभी इसको नहीं समझ पा रहा हूँ और ना ही इसका कोई ऑफिशियली पेज पे कोई इसका अनाउंस फेसबुक ने किया है। बट हाँ, जैसा इतना ध्यान आप रख लगा लीजिए कि जब आपके क्राइटेरिया फेसबुक ने कम किया था 5000 फॉलोअर का और 60000 इन्वेस्टमेंट का, तब भी फेसबुक ने अपने ऑफिशियल पेज पर कुछ भी अनाउंस नहीं किया था। सबसे पहले क्रिएटर्स के जो है
डैशबोर्ड में उसको शो करना स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके बाद ही बाद में ऑफिशियल पेज पे जो क्राइटेरिया दिखाया था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरी रील्स जो है ये मोनेटाइज हो जाएंगी, और इसके लिए हमें कोई क्राइटेरिया बेस भी हो सकता है कि ला सकता है फेसबुक या और भी कुछ ला सकता है। बट यहाँ पर अभी अगर देखें तो हमारी रील्स जितनी भी फेसबुक की रील्स हैं वो सारी मोनेटाइज हो चुकी है। देखो यहाँ पर भी एक ये रील्स है, ठीक है, यहाँ पर भी रील्स मोनेटाइज है और यहाँ पर भी रील्स मोनेटाइज, ठीक है। कोई भी बाकी अगर देखो लॉन्ग वीडियो अगर आप देखो तो यहाँ पर किसी पे भी लॉन्ग वीडियो पे सिंबल मोनेटाइज का नहीं है, बट अगर रील्स पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें जो है ग्रीन डॉलर यहाँ पर शो होता है, ठीक है। तो इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि फेसबुक रील्स के ट्रस्ट के लिए बहुत कुछ अच्छा नया अपडेट कर रहा है। वेट करिए थोड़ा सा, आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बेस हो या फिर कोई टास्क दे, जो भी दे फेसबुक देगा, उसके बाद में क्या अपडेट रहता है जैसे भी पता चलेगा, देखते हैं क्या फेसबुक अपडेट रहता है। फिलहाल यहाँ पर मेरे जो पेज पर ये मुझे रील्स हो रही थी, यानी कि मोनेटाइजेशन शो हो रहा था, मैंने आपको इसको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी फेसबुक अपडेट करेगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक रिलेटिव सारे अपडेट हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फेसबुक नए से नए अपडेट कर रहा है, और फेसबुक नहीं चाहता कि मेरे क्रिएटर्स कहीं दूर चले जाए या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाए, वो अपने क्रिएटर्स को रोकने के लिए फेसबुक को यानी कि रील्स को मोनेटाइज करने के लिए एक नया अपडेट लेके आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, 2 से 3 दिन का वेट करिए फिलहाल, ठीक है। तो यही अपडेट था भाई, यानी कि ये एक कोई अजीब सी चीज लगी भाई मुझे मोनेटाइजेशन को लेके, जो मैंने आपको बतानी पसंद करी, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, और आगे मिलते हैं एक वीडियो में, ओके।